हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नहा धो के, सुबह का टाइम है, नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर लिया और ये दोनों सो रहे थे, पतिदेव और बिटिया दोनों सो रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट से कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अच्छा सा आज। तो मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। यहाँ पे मैंने ली है 2 कप सूजी, उसमें डाला है 1 कप दही और पानी डाल के इसे हम फूलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे लिया है मैंने इमली का पानी, इमली को बॉईल कर लिया था पानी में, बस उसे छान लिया। फिर लिया है मैंने धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ये रोस्टेड मूंगफली, लेकिन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत अच्छी चटनी बनती, बना के ज़रूर देखना। और इसे मैंने तड़का लगा दिया सरसों के दाने, सरसों से मतलब राई जो होती है और लाल मिर्च से। फिर यहाँ पे सूजी हमारी फूल चुकी, तो इसको पानी डाल के इसका बैटर अच्छे से रेडी कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी सूजी वो इडली वाली ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। ये मैंने मिनी इडली स्टैंड मंगवाया था, एकदम छोटू छोटू सी इडलियाँ बनती हैं इसमें। यार थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी हाँ। सो आधा बैटर मैंने निकाल लिया, उसमें डाल दिया इनो सॉल्ट 1 चम्मच करीब, और इसे मैंने तुरंत ही पोर कर दिया, तुरंत ही डाल दिया मोड में और पानी बॉयल हो रहा है उसमें रख दिया ढक के। 10 से 12 मिनट में आपकी इडली बनके रेडी हो जाएगी, छोटी छोटी सी स्पॉन्जी सी, बहुत ही अच्छी इडली बनके तैयार हुई थी। और जो चटनी बताई है ना मैंने, उसे भी बनाना बहुत अच्छी लगती है। उसमें मैंने नमक भी डाला था, दिखाया नहीं है बस। फिर क्या, और सूजी वो जो चटनी बनाई ना, उसमें इमली के पानी से ही, इमली का पानी ही यूज़ करिएगा, अगर ज़्यादा ठीक लगे तो और पानी डाल सकते हो। फिर वो सब लोग ने खाया पिया, अब हस्बैंड चले गए ऑफिस और यहाँ पे काशी की सितानी वही सारे कपड़े उठा के नीचे फेंकना, चिल्लाना, डांटना। अभी देखिए कैसे डांटेगी। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।